हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही आसानी से वेडिंग गेस मेकअप कैसे कर सकते हैं। साथ में अगर आपके बाल कम हैं, पतले हैं मेरी तरह, तो आप साइड पफ हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्रीम लगा रही हूँ और ये निविया सॉफ्ट क्रीम मैं लगा रही हूँ। कोई भी क्रीम आप लगा सकते हैं, कोई भी अच्छी हाइड्रेटिंग क्रीम जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। और अब आईब्रो बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने नेक्स का आईब्रो पोमेड लिया है, तो मैं इसको लगा रही हूँ। और इस तरह से आईब्रो फिल कर लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम बना लेंगे इसको। और अब ये नेक्स का ही मैंने आई शेडो बेस लिया है, इस तरह का है ये। तो इसको मैं पूरी आईलिड पर और थोड़ा सा बाहर को निकालते हुए मैं इसको लगाऊंगी क्रीज पर, लोअर लैश लाइन पे, क्योंकि आउटर वी बनाना होता है। तो अच्छा रहता है कि थोड़ा सा बाहर बाहर को निकालते हुए आप इसको लगाइए। और बहुत हल्का सा मैंने यहाँ पे लूज पाउडर लिया है, जिससे कि बिल्कुल भी चिपचिप ना करे, एक स्मूथ बेस हमें मिले। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही कम पाउडर लगाना है। और अब सबसे पहले मैं ये ऑरेंज शेड मैंने लिया है इस पैलेट में से, निक्स का पैलेट है ये। तो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हम इसको लगा लेंगे और क्रीज में भी इसी सेम शेड को मैं लगा रही हूँ। और अब ये पिंक वाला शेड लिया है मैंने और इसको भी मैं इस तरह से आधे आधे में करके, आधे में ऑरेंज आधे में पिंक, और इसको भी मैं क्रीज में इसको करके और इसको ब्लेंड कर दूंगी। तो खाली ये पिंक और ऑरेंज शेड है जो कि आपको किसी भी पैलेट में मिल जाएगा। तो इन दोनों को लगाकर और बस इस तरह से मैं इन दोनों को साथ साथ में ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं लाइनर बना रही हूँ, तो एक विंग्ड लाइनर हम यहाँ पर बना लेंगे। आप चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं साइड में, तो आपका लाइनर उससे इजीली बन जाएगा। और बीच में लगाने के लिए अब मैंने यहाँ पे ग्लिटर लिया है, लूज़ ग्लिटर, और ये नेक्स का ग्लिटर है। कोई भी लूज़ ग्लिटर आप ले सकते हैं, लेकिन आपका ग्लिटर ग्लू जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका ग्लिटर देर तक चिपका रहे और बिल्कुल फॉल आउट ना हो। तो इसको मैं सिर्फ सेंटर में ही लगा रही हूँ और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे ग्लिटर लगा दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, हल्का फुल्का इधर उधर भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऐसा कुछ हेलो आई वगैरह नहीं बनाया है, सिर्फ रफली बीच में हमको ग्लिटर लगाना है बस। और आप चाहें तो यहाँ पर लिक्विड ग्लिटर भी लगा सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा। और यहाँ मस्कारा लगा लिया है मैंने, लैक्मे का मस्कारा था। और ये लैशेस ली हैं मैंने, और ये सोसू लैशेस हैं और बहुत नेचुरल सी लैशेस हैं ये। आप चाहें तो कोई हैवी लैश भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेडिंग गेस्ट का मेकअप है तो अपने हिसाब से आप लैशेस ले सकते हैं। और अब ये मैंने प्राइमर लिया है वेट एंड वाइल्ड का, और इसको पूरे फेस पर मैं लगा रही हूँ। और अब ये फाउंडेशन लिया है मैंने, और ये एले गर्ल का फाउंडेशन है, और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये, फुल कवरेज फाउंडेशन है और बहुत अच्छे से सेट होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो ओवरऑल ये फाउंडेशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और अब ये मैंने मिलानी का लिया है कॉन्टूरिंग स्टिक, और ब्रश में करके मैं इसको और फिर नोज़ में इसको लगा रही हूँ। और आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं कॉन्टूरिंग, नोज़ कॉन्टूरिंग स्पेशली। और अब ये लिया है मैंने कंसीलर, और ये मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर है, तो अंडर आइज में इसको लगा रही हूँ। और जो फाउंडेशन मैंने लगाया है ये उससे एक दो शेड लाइट है जो कंसीलर मैंने अंडर आइज लगाया है। तो इससे क्या होगा कि आइज आपके एकदम ब्राइटन अप लगेंगी, बहुत ही अच्छे से पता चलेगा आपका आई मेकअप भी, और ओवरऑल बहुत अच्छा लगेगा ये। जनरली जब हम हाईलाइट वगैरह करते हैं, हाईलाइट एंड कॉन्टूरिंग, तो उसमें हम आइज़ के नीचे फोरहेड के बीच में चिन पर लाइट शेड लगाते हैं, तो ये एग्जैक्टली उसी तरह से ये काम करेगा। तो लाइट शेड आप हमेशा एक दो शेड ज़रूर लगाइए अंडर आइज़। और लूज़ पाउडर मैंने लिया था और उससे मैंने जो अंडर आइज़ कंसीलर था उसको मैंने अच्छे से लगा लिया था। और अब ये पाउडर लेके वेट एंड वाइल्ड का इसको मैं पूरे फेस पर लगा रही हूँ। और ये ब्राउन शेड लिया है मैंने अब, और इसको मैं अंडर आइज़ लगा रही हूँ।
आई मीन लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ, तो ये मैं इसको लोअर लैश लाइन पे लगा के ब्लेंड कर रही हूँ। हल्का सा मैंने ब्लैक कलर भी थोड़ा सा ऐड करा है, और यहाँ पे मैंने पिंक शेड जो ऊपर लगाया था आईलेट पे उसको लगाया है। तो इसको हम अब ब्लेंड कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कौन सा। और अब काजल लगाया है मैंने, और ये बेनिफिट का काजल है। आप चाहें तो कोई भी और दूसरा काजल ले सकते हैं, लेकिन ये जो काजल है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और जल्दी निकलता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा काजल है ये। और मस्कारा लगा लेंगे अब हम लोअर लैशेस पे। और अब ये मैंने कॉन्टूरिंग पैलेट लिया है, ये प्राइमार्क का पैलेट है। ऑल्दो जब मैंने लिया था तो मुझे लगा था कि ऐसे ही होगा, चलो कॉन्टूरिंग इसका, ये जो कॉन्टूर है ये सही है, तो मुझे लगा कि चलो इसको ले लेते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली जो इसका जो हाइलाइटर है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ओवरऑल मुझको ये इसलिए सही सही लगा है प्रोडक्ट ये। तो अगर आपके वहाँ पे प्राइमार्क मिलता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो हाइलाइटर जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा सा हाइलाइटर मुझे लगा ये। ऑल्दो हल्का फुल्का इसमें शिमर है, लेकिन ओवरऑल मुझको ये हाइलाइटर, जो पैसे हैं इसके 3 सवा 3 यूरो का है ये, उस हिसाब से मुझको ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। और ब्लश मैंने जो था वो मैंने वेट एंड वाइल्ड का ब्लश लगाया था। और ये नेक्स्ट की मैं अब लिपस्टिक लगा रही हूँ, पाउडर पफ लिपस्टिक, और ये कलर है इसका। तो ये लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ब्राइट कलर है ये, पिंक का अच्छा सा कलर है ये, तो ओवरऑल मैं चाहती थी एक ब्राइट लुक। और हेयर स्टाइल बना रही हूँ अब मैं, तो इस तरह से साइड की हम मांग निकाल लेंगे, और थोड़े से आगे से बाल लेकर इसको हल्का सा रोल करके और पीछे हम लगा लेंगे, इसको सिक्योर कर लेंगे। और इस तरफ हम थोड़े से बाल लेकर और इसको 2 पार्ट्स में हम इस तरह से करेंगे और ट्विस्ट करेंगे, थोड़े से बाल हम आगे से लेकर इसमें मिला देंगे और इसको फिर से हम ट्विस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमको ये 2-3 बार इस तरह से करना है, थोड़े से बाल लेके इसको ट्विस्ट कर देंगे, और फिर मैं इसको इस तरह से पूरा जो है हमारा ये ट्विस्ट करते हुए और इसको पीछे हम लगा देंगे। और अब दूसरी तरफ भी, क्योंकि थोड़े बालों से हमने पफ बनाया था, थोड़े से और बाल लेकर और इसको भी हम इस तरह से ट्विस्ट करते हुए और पीछे लगा देंगे। तो बस ये हमारा हेयर स्टाइल भी ख़त्म है और मेकअप भी ख़त्म है। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और भी इस तरह के वीडियोस के लिए, और आप मुझको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।